फिर के ग्रोह ये हसद की बुनियाद के ऊपर मर्ज वजूद में आते हैं। तो जमात के साथ जुड़े रहने वाले पाक और साफ दिल लोग होते हैं और वो किसी सिफली या सतही मुफाद की वजह से या किसी के हसद की वजह से अलग रास्ता इख्तियार नहीं करते, वो जमात के साथ जुड़े रहते हैं। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो सवाद आजम है उनके साथ वाबस्ता रहो, जो उनसे बिछड़ गया वो जहन्नम में चला गया। बल्कि फरमाया शैतान जो है वो भेड़िए की तरह है, जो बकरी अलग होती है इजड़ से तो भेड़िया उसको उचक लेता है। अगर कोई अलग होगा, तफरीक का रास्ता ढूंढने निकलेगा, फिर शैतान उसको रास्ते दे देगा, फिर नतीजा ये होगा वो अलग ग्रोह और अलग फिरका अलग जमात बना के बैठ जाएगा और जो हकीकी जमात है सवाद आजम है उससे वो बिखर जाएगा और तफरीक तशद्दुद इख्तलाफ और बाहमी जो है वो लड़ाई और जंगो जदल का माहौल पैदा कर बैठेगा। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में हमेशा मिजाज में सुलह जोई रखनी चाहिए। बात बात पे बिगड़ना, हर बात पे इख्तलाफ करना और उलझाव पैदा करना, बाज़ लोग इसको तहकीक का नाम दे के हर वक्त ही जो है वो अजीब कैफियत में रहते हैं। बाज़ का जमात के मफाद के लिए कोई चीज़ छोड़नी भी पड़ती है जिसको दुरुस्त समझा जाता है, और उसकी सबसे बड़ी मिसाल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना अमल है। आका करीम ने फरमाया आयशा मेरा जी चाहता है कि काबतुल्लाह की तामीर तर्ज इब्राहिम पे करो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि तेरी कौम की असबियत ना जान पड़े। यदि कुरैश के दिल में ये बात आए कि ये हमारी खानदानी जो तामीर है उसको तोड़ के एक नई तामीर इन्होंने सामने लाई है, अगरचे बात किसी एक आध शख्स के दिल में आती और वो उसको दूर करने की कोशिश करता, लेकिन इसके बावजूद हुजूर इस्लाम इससे भी बचे कि कहीं इसमें जो है वो लोगों के जहन में जो है वो ऐसी बात ना आने पाए। अब ये कितनी बड़ी बात है, अगर हम लोग इस बात को समझ लें तो ये बात बात पे बिगड़ना, झगड़ना, जंगो जतर, लड़ाई और बाहमी तशद्दुद, इफ्तराक और क्या कुछ है, और जो इस वक्त हम कर रहे हैं पूरी दुनिया के ऊपर, मुसलमान आज देखिए शाम के अंदर जो कुछ हो रहा है और हम आपस में जो है वो बाहम दस्तों गिरेबान। छोटे होते थे तो वो एक कहानी पढ़ते थे कि एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम एक की चूंच और एक की दुम, दोनों को नुकसान हो गया कि चूंच की आएगी और एक की दुम जाएगी। तो हम जब उम्मत मुस्लिमा आपस में जंगो जदल का माहौल ही कायम रखे हुए होंगे तो फिर नतीजा क्या ये होगा कि शाम के अंदर जो जुल्म हुआ उससे कबल जो यमन में हो रहा है, इसी तरह बर्मा में जो कुछ हुआ, अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ, 56-57 इस्लामी मुल्क और हमारी ये हालत, बस हम जुग्राफियाई उलझनों में हैं, इस उम्मत को इस तकसीम में डाला गया। ये आप भी बाहर अरब पिछले दिनों में चली, अरब नेशनलिस्ट और ये जो कुछ भी है, ये तासुब और ये अरबो अजम की तकसीम और ये सरहदी तकसीम उम्मत मुस्लिमा के अंदर, उम्मत को मुंतशिर रखने के लिए ये बुत खड़े जाते हैं ताकि उम्मत तकसीम हो। तो जब सल्तनत उस्मानियत तोड़ी जाने लगी तो उस वक्त ये बात कही, अरबों का तासुब उभारा जाने लगा और अरबी अजमी की तकसीम को हवा दी गई, तो उस वक्त इकबाल ने कहा ये बुत यदि कौमियत का बुत, ये बुत के तराशी दाए तहजीब नवी है, ये नई तहजीब ने ये बुत तराश के हमें पूजा के लिए दिया है कि इस बुत को पूजो। कौमियत का बुत जब रखा गया और जो है वो अरबों को तुर्कों से बगावत का कहा गया कि वो अजम हो के तुम्हारे ऊपर हाकिम है, और ये बुत तराशा गया और अरबी असबियत को उभारने के लिए और जो है वो जुग्राफियाई तासुब उभारने के लिए और नस्ली तफाखुर उभारने के लिए ये अजमियत का